दिल्ली के आगरा बॉम्बे रोड पर एक ऐसा गांव भाटखेड़ी जहां पर रावण की पूजा की जाती है। रावण और कुंभकर्ण की प्रतिमा है। हर साल रावण और कुंभकर्ण की पूजा की जाती है। हार फूल माला पहनाकर, नारियल चढ़ाकर, अगरबत्ती इत्यादि लगाकर पूजा की जाती है। तो वही मेले का आयोजन भी किया जाता है। मात्र एक दिन के लिए मेला लगता है। मेले में आसपास के ग्रामीण जन आनंद लेते हैं। तो वही नवरात्रि के 2-3 दिन पहले से रामलीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर राम रावण संवाद के बाद मेले का समापन किया जाता है। रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। ऐसा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। लोगों का ऐसा मानना भी है कि रावण एक विद्वान पंडित था, ज्ञानी भी था, शिव जी का परम भक्त था। यहाँ पर पूजा आराधना करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। आयोजक ग्राम पंचायत भाटखेड़ी, सरपंच भगवान सिंह यादव, कल्याण सिंह यादव, जगदीश चंद्र यादव, प्रेम जी यादव, तेज सिंह यादव, जितेंद्र जी यादव, समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। ब्यावरा से संवाददाता रघुवीर सिंह बना की खास रिपोर्ट। के साथ में आप जुड़े रहिए। हम यहाँ भाटखेड़ी रावण के यहाँ खड़े हैं। कई साल से त्यौहार के रूप में मनाया जाता है दशहरा, और हम यहाँ सरपंच साहब से पूछते हैं कि यहाँ किन किन चीज़ों का आयोजन रखा जाता है। यहाँ हमारे गांव में नवरात्रि के टाइम पर रामलीला का मंचन किया जाता है रात्रि में, और विजयदशमी के दिन हम यहाँ पर रावण की पूजा करते हैं। रावण की पूजा करने के बाद रावण रामलीला का मंचन किया जाता है, और हमारे बुजुर्ग कई वर्षों से यहाँ पर रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। और हम जो दशहरे के दिन जो रावण की पूजा करते हैं, उसका जो मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई है। हमारे यहाँ कभी सूखा गिरता है और जब हम रावण की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से 1-2 दिन में पानी गिरता है। हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। और रावण एक विद्वान पंडित था, उन्होंने कई वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज किया और देवता लोग भी उनके आगे नतमस्तक होते थे। और जो रावण जो थे, हमारे निगेह में वो एक महान विद्वान पंडित थे, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। सर, ये जो रावण की प्रतिमा बनाई गई है, ये कितने साल पुरानी है, आपको कुछ ऐसा मालूम है? ऐसा हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो कहा करते हैं कम से कम 100 से 125 साल पुरानी ये प्रतिमा बनी हुई है। जब यहाँ पर AB रोड भी नहीं निकला था, उसके पहले यहाँ प्रतिमा बनी हुई है। सरपंच साहब का कहना है कि प्राचीन काल से ही ये मूर्ति की स्थापना की गई है और यहाँ की जगह हर साल तभी से रीत चली आ रही है, और तभी से आज तक ऐसा दशहरा का आयोजन रखा जाता है और यहाँ की जगह गे रावण की पूजा की जाती है और कई की मंगत पूरी होती है। राजगढ़ जिले में ऐसा पहला गांव है कि जहाँ रावण की पूजा होती है, और बहुत ही अच्छा मेला टाइप लगता है। यहाँ की जगह आप देख सकते हैं सारी जगह दुकानें लगी हुई हैं, और दुकानें लगी हुई है, यहाँ मेला लगेगा करीब करीब, या बहुत सारी पब्लिक थोड़ी देर बाद में इकट्ठी होंगी। इकट्ठी होने के बाद में यहाँ मेला लगेगा, सभी भी चीज़ें उपलब्ध होगी कि खिलौना वगैरह बहुत सारी चीज़ें, और आसपास के लोग यहाँ देखने आते हैं। अब हम यहाँ भाजपा के महामंत्री जी खड़े हैं, हमारे रे यादव जी, उनसे चर्चा करते हैं। उनका क्या इस मेले के उपलक्ष्य में क्या कहना है? यहाँ पर हर साल मेले का आयोजन होता है, मेला लगाया जाता है। बाहर से बहुत आसपास के पूरे गांव, जितने भी हमारे एरिया में गांव है, वहाँ से पब्लिक यहाँ आती है, यहाँ देखने के लिए आती है। यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं और जो भी पात्र है उनका उससे उत्साहवर्धन होता है,
और हर साल मनाया जाता है धूमधाम से। दशहरा की तैयारी होती है, पूरे 9 दिन के रामलीला चलती है गांव में नवरात्रि, और उसके बाद यहां पे पूरा आयोजन होता है पूरे धूमधाम के साथ। अभी हमारे यादव जी का कहना है कि यहां धूमधाम से आयोजन किया जाता है और यहां मेला भी लगाया जाता है, आसपास के लोग भी यहां देखने के लिए आते हैं और उससे यहां जो रामलीला में पात्र बनते हैं उनका उत्साह वर्धन होता है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी ऐसा कार्य चलता रहेगा। हम ऐसी कामना और विश्वास के साथ में हम ड्राइवर साहब से भी पूछते हैं, उनका कुछ कहना ने का मतलब हो या मकसद हो तो बताएं। सरपंच साहब आप और कुछ कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? बिल्कुल, जो मीडिया के माध्यम से के जो जिससे से अपने यहाँ का प्रचार और प्रसार बढ़ता रहे। मैं मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी रावण जो है इसको जलाने नहीं चाहिए, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण करना चाहिए, जो बुराइयाँ हैं उनको त्यागना चाहिए, क्योंकि रावण में बुराइयाँ भी थी अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन उन अच्छाइयाँ ज़्यादा थी बुराइयाँ बहुत कम थी। इसलिए मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी आज जो विजयदशमी है ये हमारा सत्य की विजय है, इसलिए हम रावण को पूछते हैं। मैं इतना ही, ये आज जो दशहरे का प्रोग्राम हमारे यहाँ मनाया जाता है लगभग हमारे यहाँ 2-3 पीढ़ियों से हमने हमारे दादाओं के मुँह से सुना है, वो बताते थे कि हमेशा के यहाँ हमेशा दशहरे के दिन रावण की पूजन होती है, पूजन उपरांत राम रावण का जो युद्ध है उसका प्रोग्राम होता है और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, इस तरह हमारे दशहरा मनाया जाता है। सर जो ये रामलीला का आयोजन रखा जाता है या कितने दिन पहले से रखा जाता है? 15 दिन पहले से लगभग दशहरा, जैसे नवरात्र स्टार्ट होते हैं उसके 2-4 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। रामलीला का जो आयोजन रखा जाता है वो 15 दिन पहले से रखा जाता है और दशहरे के दिन समापन होता होगा ना? दशहरे के दिन समापन होता है ना, राम रावण युद्ध होके रावण की मृत्यु होती है और सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और दशहरा का। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।